ले जी, ये है वो गिफ्ट। अभी जो है गिफ्ट थोड़ा खराब हो पड़ा क्योंकि बाहर बारिश आई, इस वजह से मैं आपको दिखा वीडियो है वो आप वीडियो देखें जब हम गाड़ी लेने के लिए गए हैं भावलपुर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय दानियाल नफीस। में कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग एक तरह से स्पेशल होने जा रहा है। जैसा कि आपने पहले मेरे दो व्लॉग देखे थे जिसमें मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिला था 125 का, वो यहाँ थंबनेल आप देख लें या वीडियो का आप स्क्रीनशॉट देख लें। उसके बाद मुझे मेरी बर्थडे का गिफ्ट मिला था ये आईफोन जिस पर मैं व्लॉग बना रहा हूँ, iPhone 14 Pro Max। तो ये आप उसका वो स्क्रीनशॉट देख लें। अभी ये गिफ्ट हम सब के लिए है, पूरी फैमिली के लिए एक किस्म का गिफ्ट है। वो गिफ्ट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ले जी, ये है वो गिफ्ट। अभी जो है गिफ्ट थोड़ा ख़राब हो पड़ा क्योंकि बाहर बारिश आई, इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो है ये वो गिफ्ट है जो हमने लिया है, और ये मेहरान VXR है 2017 मॉडल, जो कि लोगों ने लिया क्योंकि कहीं जाना वगैरह होता तो गाड़ी की बहुत ज़रूरत है, इस वजह से गाड़ी हमने लिए। मैं जो हूँ मैं आल्टो वैगनार या कल्टस की तरफ जा रहा था, तो अबू ने कहा कि नहीं अभी अरसान सफियान ने गाड़ी सीखनी है तो एक ऐसी गाड़ी ले दें जिसमें वो दोनों अपना हाथ पक्का कर लेंगे। और अभी भी कह रहे थे कि मैंने अपना हाथ चलो पक्का करना थोड़ा बहुत, तो ये वो गाड़ी इस पर अपना हाथ पक्का कर लेंगे, जो छोटे मोटे काम है वो कर लेंगे। बाद में जब वो सीखने के लिए हो जाएंगे, जब ओके हो जाएंगे सब, तो फिर जो है गाड़ी को चेंज कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो गाड़ी है ये गाड़ी मैं बहुत पहले लाया हूँ, इसका ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ, आप आगे वीडियो देखेंगे। उस वीडियो में हम जिस गाड़ी को लेने के लिए जाएंगे, माह रमज़ान के अंदर हम इस गाड़ी को लाए थे। इस ब्लॉग को जो है इस ब्लॉग को मैं पहले नहीं बना सका था, ये कहने पहले एडिट नहीं कर पाया था। खैर अभी मैंने आपको गाड़ी दिखाई, अब आगे जो वीडियो है वो आप वीडियो देखें जब हम गाड़ी लेने के लिए गए हैं भावलपुर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी करें, कॉमेंट में अपनी राय लाजमी दिया करें। यहाँ पर जी हम लोग अपने भावलपुर के सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। अरशान, मैं और अब्बू अपने सफ़र पर गामजन हैं, और आगे से इरशाद साहब को हमने पिक करना है। लास्ट वाले व्लॉग में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग भावलपुर आए हुए हैं, वो जो है वो एक चीज़ सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ यही था कि हम लोगों ने लेनी थी अपने लिए गाड़ी, और हम वो गाड़ियाँ देखने के लिए आए हुए थे भावलपुर, तो उस चीज़ को मैंने पब्लिक नहीं किया था। यहाँ सामने इरशाद साहब को देख लें, और यहाँ मैं, हम तीनों बड़े मज़े से बैठे हैं पीछे। मेहरान में बहुत कम ही हम तीनों फंसते हैं। खैर अभी हम लोग भावलपुर जा रहे हैं, तो हम कोई गाड़ियाँ देखने के लिए आए हुए थे भावलपुर, तो हमने दो तीन गाड़ियाँ देखी थी। तो ये वाली जो गाड़ी है ये आपके सामने पीछे खिदमत है, 2017 मेहरान VXR। तो ये गाड़ी हम लोगों को पसंद आई। यहाँ पे अब्बू को मैंने कहा कि आप बैठें, और माशाल्लाह से अब्बू के हाथ में फाइल है गाड़ी की, और यहाँ पे जो हमने वो गाड़ी की जो पेमेंट वगैरह थी वो की थी। उसके बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं कचहरी की तरफ, भावलपुर कचहरी, जहाँ जाके हम लोग इसकी जो लिख पढ़ कह लें या स्टाम्प वगैरह कह लें वो हम लोगों ने करवाने हैं। गाड़ी अभी आपके सामने जा रही है, और माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त लग रही, बड़ा दिल खुश हुआ काफ़ी। और ये आप देख लें कि एक रेड कलर की टेस्ला भी गुजरी है मेरे सामने से, और इरशाद जो है वो सामने वाली गाड़ी में था, मैं पीछे वाली गाड़ी में था। यहाँ जो है यहाँ हम लोग पहुँच गए कचहरी भावलपुर, यहाँ पर हम लोगों ने स्टाम्प वगैरह कराया। अब्बू आगे आगे चल रहे हैं, और उस गाड़ी मालकान है वो पहले पहुँचे हुए थे, वो अलग रास्ते से आए थे, हम लोग अलग रास्ते से थे। यहाँ मैं, और धूप बहुत तेज़ थी, यहाँ पर अब्बू बैठे हैं, शान गए हुए फ़ोटो कापी कराने के लिए इस CNIC की। यहाँ पर वो भाई जो है वो स्टाम्प वगैरह बना रहे हैं, गाड़ी के ओनर और इरशाद वगैरह सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपने जो मिनी व्लॉग है कह लें उसके अंदर मसरूफ़ हूँ क्योंकि प्रॉपर व्लॉग का टाइम नहीं मिला। तो यहाँ हम लोगों ने अपने नाम हर चीज़ों के करा के माशाल्लाह से अभी हम जा रहे हैं वापसी अपनी सिटी लोधरा। और कंग्रेचुलेशन टू मी, टू अरशान, टू सफियान, टू माई बाबा जानी। और यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी का पहला फ्यूल अप कराया, पहले टैंकी फुल कराई है अपनी गाड़ी की, क्योंकि अब जाहिर है जब गाड़ी जा रही है तो फ्यूल अप तो होना ही है। अंदर बैठ के अरशान साहब अपना व्लॉग बना रहे हैं। यहाँ पर मैं ज़रा अपने आईफोन का सिनेमैटिक चेक कर रहा हूँ कि आईफोन का सिनेमैटिक सच के कैसे हैं कैसे नहीं। ज़्यादा व्लॉग कर बनाता तो शायद उम्मीद है मज़ा आता, ये वाला व्लॉग शायद है कि ज़्यादा बढ़ सके। यहाँ हम लोग अपने सिटी लोधरा में जैसे इंटर हुए, फिर शाम को अपने घर छोड़ा, तो यहाँ ड्राइव मैंने ले लिया। अब्बू की कॉल आ गई थी तो मैं यहाँ पर गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, और बड़ा ही ज़बरदस्त एक लग रहा था मुझे गाड़ी, क्योंकि काफ़ी एक वैसे खैर मैं ड्राइव करते रहते लेकिन अपनी गाड़ी की तो फिर और मज़ा होता ना। अब्बू साथ बैठे थे, और यहाँ पर हम लोग जो है पहले हम लोग ऑफिस गए थे, ऑफिस हमारा कुछ काम था, उसके बाद एक दो और काम थे, फिर मिठाई वगैरह ली थी घर के लिए, मिठाई वगैरह सब अपने काम करने के बाद हम लोग अपने रवाना हो गए वापसी घर के लिए। और यहाँ पे अरशान ने मेरी एक दो सिनेमैटिक वीडियो बनाई है जो कि मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी है, और उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगी होंगी। जिस तरह मैंने खुद को कमेंट में कंग्रेचुलेशंस किया है, इस तरह आप भी मुझे कमेंट में मुबारकबाद दें हमारी गाड़ी के लिए। ये वाले जो वीडियोस थी ये सारे जो मिनी व्लॉग थे तो देखा था वो जो आप मेरे मोबाइल पर शूट हुआ गया था,
लेकिन अभी जो कुछ वीडियोज़ आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो वाली हैं जो अर्शियान ने अपने मोबाइल पर अपने मिनी व्लॉग के लिए शूट किया था, जो मैंने वहाँ से निकाल लिया था। आई डोंट नो अर्शियान ने अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड किए हैं या नहीं किए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वही हम लोग जो पहले मतलब जा रहे थे भावलपुर, और अर्शियान ने अपनी वीडियो बनवाई है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर अर्शियान साहब जो अपनी नई गाड़ी है उसमें बैठ चुके थे जो हमने ले ली थी, और इरशाद और अबू के साथ वो लोग जा रहे थे कचहरी। और ये आगे वो सामने जो है वो उसमें मैं बैठा था गाड़ी में। यहाँ पर अपने नाम स्टाम्प कराने के बाद अर्शियान के हाथ में आ गई गाड़ी की चाबी, अर्शियान को मिल गया गाड़ी का मालकाना हकूक। और यहाँ पर हम लोग वापस जा रहे थे अपने सिटी लोधरा। और ये पीछे वाली गाड़ी में जो ये मैं, और आपको मेरी वेस्टकोट से अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं वेस्टकोट मैंने पहनी हुई है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर। रात के टाइम अर्शियान को क्योंकि गाड़ी चलानी थी, तो अर्शियान ने जाकर रात को गाड़ी चलाई थी। उसके बाद मैं और सफियान चले गए थे बाहर घूमने के लिए। सफियान साहब को मैंने बाहर का थोड़ा राउंड लगवाया था कि चलें, आपकी तबीयत घर ख़राब हो रही है। सफियान को फिर मैं बाहर ले गया था, इसको बाहर की सैर करवाई थी, और फिर मैंने उनको दिखाया था कि मैं गाड़ी कितनी तेज़ भगाता हूँ। तो यहाँ पर सफियान मेरी वीडियो बना रहा था और मुझे बार बार कह रहा था कि भाई आराम से, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मैं तो स्पीड चेक कर भाई की, ये गाड़ी हमारी उठती जा रही है। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जितनी वीडियोस थी, जो कुछ था, सब कुछ लगा दिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के बाद, बाय बाय, थैंक यू।